Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. मेरठ के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर अमिताभ गौतम से जुड़ी घटना की तर्ज पर नेपाली नौकर ने अपने साथियों की मदद से बिल्डर व पूर्व पार्षद प्रदीप गुप्ता पिंकी के घर को निशाना बना लिया। चौकीदार से मारपीट के बाद बदमाश अपने साथ करीब 4 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाकर भाग निकले। बदमाशों ने इलेक्ट्रिक तिजोरी को खोल ना पाने की स्थिति में तोड़ डाली। घटना के वक्त बिल्डर अपनी बेटी की सगाई के कार्यक्रम में परिवार समेत दिल्ली गए हुए थे। आज सुबह घटना का खुलासा हुआ तो सभी के पैरों तले जमीन निकल गई। शादी के घर में इस तरह की वारदात ने परिवार को बुरी तरह से हिला दिया है। जिस नेपाली नौकर की यह कारतूत बताई जा रही है, उसे 5 दिन पूर्व ही नौकरी पर रखा गया था। चौकीदार के दांत टूट गए हैं। फिलहाल पुलिस चौकीदार और नेपाली वीर बहादुर को रखवाने वाले सरदार सिद्धू से पूछताछ कर रही है। मौके से 2 नए पेचकस व 1 कुंडाली बरामद हुई है। डॉक्टर अमिताभ गौतम के घर इसी तरह पर नेपाली युवक द्वारा की गई वारदात का भी पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। प्रदीप गुप्ता ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। वे परिवार समेत टीपी नगर थाने से कुछ ही दूरी पर कमला नगर में रहते हैं। इसी दौरान संयुक्त परिवार के अध्यक्ष अजय गुप्ता भी मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से घटना के खुलासे की मांग की। देखिए इस मामले में एसपी सिटी पीयूष सिंह से मिली जानकारी। एंगेजमेंट के सिलसिले में परिवार के लोग परसों शाम को यहाँ से गए हुए थे और आपकी पत्नी जो है कल सुबह यहाँ से दिल्ली के लिए निकली थी। घर में 1 नौकर और 2 गार्ड मौजूद थे। कल दिन में किसी समय जो यहाँ पे नौकर मूल रूप से नेपाल का रहना वाला बताया जा रहा है, उसके द्वारा इनके मेन बेडरूम का ताला तोड़ के चोरी कर ली गई है। इसकी जानकारी आज सुबह आपको हुई है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त कर आगे की विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। फॉरेंसिक की टीमें, सर्विलांस की, थाना पुलिस की सारी टीमें इस पे काम कर रहे हैं। शीघ्र ही पूरे घटनाक्रम का अनावरण कराया जाएगा। अभी उसमें तहरीर हमें प्राप्त नहीं हुई, तहरीर लिख रहे हैं, उसके बाद ही मैं एग्जैक्ट अमाउंट आपको शेयर कर रहा हूं। नौकर बताया गया नेपाली, क्या उसकी वेरिफिकेशन कराई गई थी थाने स्तर से? ये नौकर अभी 1 हफ्ते पहले किसी एजेंसी के थ्रू रखा गया था, उसका डिटेल मंगाया जा रहा है। थाने से भी कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। नौकर की गिरफ्तारी के लिए हमारी सर्विलांस की, एसओजी की और थाने की कुल 3 टीमें लगी हुई हैं, उस पर काम कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यादगार पलों का मनमोहक साक्षी, नवयुगल की नई और पहली चॉइस, बेस्ट वेन्यू फॉर एवरी ओकेजन, डेस्टिनेशन वेडिंग, एलिगेंट डिजाइन एंड एक्सप्रेसिव डेकोर, एक्सपीरियंस विद लग्जरी, ला फ्लोरा गढ़ रोड मेरठ।